वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि डीओई और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को एज ए कंट्रोल प्लॉट के रूप में मिनी टैब में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको मिनी टैब ओपन करना होगा। मिनी टैब ओपन करने के बाद में एक डीओई क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मिनी टैब ओपन है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स वाले ऑप्शन में जाकर डीओई ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए टागुची मेथड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में क्रिएट टागुची डिजाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट टागुची डिजाइन पर क्लिक करेंगे तब इस तरीके का यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से लेवल एंड फैक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपको 4 लेवल एंड 4 फैक्टर सेलेक्ट करना है तो इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डिस्प्ले पर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में डिजाइंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 16। उसके बाद में फैक्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फैक्टर में कुछ भी हो सकता है आपके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर नेम नहीं दे रहे हैं, लेबल दे दे रहे हैं। जैसे फैक्टर ए का लेबल 10 है, 15 है, 21 है एंड 27 है। उसके बाद में फैक्टर टू में 4 लेबल देंगे। यहाँ पर 6 है, 12 है, 19 है, 21 है। उसके बाद में सी फैक्टर में 3 है, 9 है, 11 है, उसके बाद में 15 है। डी में 41 है, उसके बाद में 81 है, 99 है, 105 है। अब यहाँ पर फैक्टर के साथ साथ में लेबल को भी नोट कर लिए हैं। उसके बाद में ओके पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर स्टोर डिजाइन इन वर्क शीट पर टिक है। उसके बाद में ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक डीओई बनकर तैयार हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस डीओई को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में ग्राफ वाले ऑप्शन के अंदर में जाकर कंटूर प्लॉट पर क्लिक करेंगे। जैसे कंट्रोल प्लॉट पर क्लिक करेंगे तब इस तरीके का यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जेड वेरिएबल्स में एग्जांपल के तौर पर इसी में से C1 को एज ए जेड वेरिएबल रख रहे हैं। सिलेक्ट उसके बाद में सिलेक्ट करने के बाद में सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। C को उसी में डाल दे रहे हैं। Y में मान लीजिए ये C है, मतलब A एंड B ये जेड वेरिएबल है, सी जो है वाई वेरिएबल है। यहाँ पर डी को एक्स वेरिएबल ले ले रहे हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तब इस तरीके से कंटूर प्लॉट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंटूर प्लॉट ऑफ ए वाया सी एंड डी, ये जो कंटूर प्लॉट ए है ये सी एंड डी के रेस्पेक्ट में क्रिएट हुआ है। और दूसरा है कंटूर प्लॉट बी वाया सी एंड डी, बी जो है सी और डी के रेस्पेक्ट में क्रिएट हुआ है। तो टोटल यहाँ पे 2 कंटूर प्लॉट हुआ है क्योंकि जेड में 2 वैल्यू दिए हैं, एक तो ए दूसरा बी। आई होप दोस्तों यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि मिनी टैब में किसी डीओई को या डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को एज ए कंट्रोल प्लॉट के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।